ब्लैक एंड वाइट हो गया। अभी तो चैलेंज शुरू हुआ है, अभी से कहां से आ रही है? भाग बेटे भाग। मौत करीब है इसकी। ये भाई कोई हगने की जगह है, हो जा रही। चलो नीचे चलते हैं। यस आई विल एक्सोसाइज यू। अगर ये इस घर में आ गई ना, फिर गए हम, फिर अपना खेल खत्म। क्या हाल है मेरी कमला को चाहने वालों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कमला का एकदम नया एपिसोड, जिसके अंदर हम करने वाले हैं नो डेथ चैलेंज। इस चैलेंज के अंदर हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम एक बार भी ना मरें और बिना मरे कमला को इन सब भूत प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिला सकें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक नया चैलेंज और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हम ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो चलो भाई लोग आ गए हम फिर से कमला के घर के अंदर, जिसके अंदर हमारा पहला चैलेंज है कि हमें कमला को ढूंढना है, कि देखते हैं कमला यहाँ पे कहाँ पे है घर के अंदर। तो जिस भाई को नहीं पता है कि कमला की बैक स्टोरी क्या है, मैं यहाँ पे ऊपर लिंक आपको दे दूंगा पुरानी वीडियोस का, तो आप उन वीडियो पे जाके इसकी बैक स्टोरी देख सकते हैं। तो हुआ कुछ नहीं था, वही भूल भुलैया वाली स्टोरी है कि भाई कहीं पे शादी होके आई है हमारी कमला, और उसके बाद जो कमला का जो देवर है, देवर कमला का था आशिक, पर कमला के ससुर ने उसके बड़े भाई से इसकी शादी करा दी थी। तो उसी बीच देवर ने कुछ झाड़ फूंक करके कुछ प्रेत आत्मा को कमला के पीछे लगा दिया, और फिर अब भाई वो आदमियों को खाने वाली कोई भूत चुड़ैल बन गई है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये थाली, कपूर, नमक की कटोरी, हनुमान चालीसा, गंगा जल, कलश पात्र, ये सब उठा के हमें कहीं पर बीच में ग्राउंड्स के अंदर रखना है, कहीं बीच में हवन वाली जगह है वहां पे कहीं पे रखना है। तो हम लोग वही करते हैं। उतरी भैंस का, ओए ओए ओए, पैरों की आवाज आ गई अभी से ही। नहीं, अभी तो चैलेंज शुरू हुआ है, अभी से कहां से आ रही है? गई, इधर ही थी शायद वो। भाई भाई लोगों, कपूर अपने को मिल गया है। कपूर उठा के सबसे पहले अपन लोग जाके रखते हैं वहाँ पे, हमन वाला जो पूरा एरिया है ना, वहाँ पर ले जाके इसको रखते हैं। तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो जाएगा, पहला ऑब्जेक्टिव पूरा करने के बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या उठाने वाले हम लोग। पहले तो इन दीदी से ना थोड़ा सा बच जाए। ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा जो ओपन एरिया है, यहाँ पे कभी भी आओ तो ये यहाँ पे बंदी आती ही आती है, ये मैंने हर बार देख लिया। ये इसको यहाँ पे आना ही आना है, पर कोई बात नहीं, अपने को यहाँ से सीधा निकलना है और बिल्कुल सीधा नाक की सीधे भागे चले जाना है। चलो, ये छुपने का एरिया हो गया अपना, इधर से जाना अपने को। ये रहा भाई हवन करने का आंगन में, ये रहा। सबसे पहले छुपने का जुगाड़ देख लेते हैं अपना, छुपना कहाँ पे है? छुपना इधर है अपने को। अरे हटना यार आगे से, इसके अंदर छुपेंगे। वो कहाँ पे रखूँ इसको, कहाँ पे है जगह? ये रहा, चलो भाई भाग बेटे भाग। हो गया काम अपना, बहुत बेहतरीन। चलो भाई पहला ऑब्जेक्टिव तो पूरा सही हो गया बेटे। आ गई है दीदी, मौत करीब है इसकी। मुझे बचा लो। कहाँ पे गई? चलो हमने कपूर तो रख दिया, कपूर रखने के बाद हमें ढूंढनी है कोई दूसरी आइटम। कोई 6-7 वस्तुएं थी, कौन सी थी? है
कपूर हो गया, थाली नमक की कटोरी हनुमान चालीसा गंगा जल और कलश पात्र। ठीक है आगे 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 आगे, कुछ तो टूटा है भाई, कुछ तो टूटा है, कुछ तो टूटा है, रोंगटे से खड़े हो गए मेरे तो एकदम। ये आ रही सामने से, ये आ रही सामने से। और क्या और नहीं तो क्या, शर्माऊंगा नहीं मैं। अच्छा भाई साहब, गेट भी खोल के निकल जाती है। नाइस नाइस। घंटा 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 बचके बचके। इधर थी, बच गई भाई साहब। कोने कोने पे इतने इतने से बचे, इतने इतने से। इधर ही घूम रही है ये। दिखता नहीं है ऐसा करके। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इधर क्या, नीचे से ताला लगा हुआ है। ठीक है भाई, मतलब कि तहखाना भी अभी बंद है, इसके लिए भी चाबी की आवश्यकता है। चाबी भी ढूंढेंगे अभी हम। आ रही है भाई, सामने से ही आ रही है। अब अगर वो इस कमरे के अंदर घुस गई ना तो अपना काम खराब है। और इन्होंने ये मंदिर टाइप का घर बनाया हुआ है, मतलब मंदिर टाइप का कुछ कमरा बनाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आने नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही लग रहा है मुझे। इधर है, इस दीवार के पीछे। इधर ही घूमती रहेगी क्या? इधर ही घूम रही है, बैठा हूं मैं इधर ही। हम डरते हैं आपसे, हमारी फटती है आपसे, हम डरते हैं। गई, ये वाले रूम पर मैं गया हूं या नहीं गया? इन ड्रॉअर में कुछ कभी होता भी है या नहीं होता? मेरे ख्याल से इधर ही कुछ होगा, जैसे ये घंटा वंटा यहां पे आता है ना। घंटे के आसपास ही कुछ होता है। हाँ जी, शर्मा ही तो रहा हूं मैं यहाँ। गुरु तुम्हारा बनने को तैयार है कुछ चीजों का, तुम कह रहे हो शर्मा रहे हो क्या? नमक, अच्छा ये नमक मिल गया नमक। चलो मंदिर में तो हम 2-3 चक्कर लगा चुके भाई। ये इन्होंने कुछ टाइमिंग वाइमिंग का सीन रखा हुआ है शायद, कि थोड़े टाइम के बाद तुम्हें कुछ सामान मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ। मैं अभी तो 2-3 चक्कर लगा गया हूँ मंदिर में। ये है कहाँ पर देवी जी? ये जब म्यूजिक बंद होता ना गेम का, बस ऐसे ऐसे होने लगती है। बाहर ही घूम रही है, बाहर ही घूम रही है। यारी राइट में है,
ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये सामने बक्सा भी रखा है। इस बक्से का कोई लॉक वॉक है? वो लॉक हम ढूंढते हैं बाद में। लॉक कहाँ से मिलेगा? ये भाई कोई हगने की जगह है। ठीक है, इधर ही घूम रही है, इधर ही घूम रही है देवी जी, इधर ही घूम रही है। भाई पढ़ ले सारे मंत्र, पढ़ ले सारे जितने भी हो सकते हैं, सारे मंत्र पढ़ ले। हंस रही है। हमारा भी जो पुजारी है ना विभूषण, अरे यार ये फिर इसकी आवाज यहीं पे आ रही है। इधर ही चक्कर काटती रहेगी क्या ये? नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं तो आपसे डरता हूं ना, पर दीदी मुझे तो बाहर जाने दो यहां से। क्या यहीं पूरी रात यहीं पे चक्कर लगाओगी क्या? इधर है कहीं पे? पहले छुपी लो, आवाज आ रही है उसकी। ये पॉइंट पे मैंने देखा था कि ये पॉइंट पे आके ना थोड़ा बच जाते हैं, मतलब उसको दिखता नहीं है। भाग 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 भाग, चलो दो चीजें डन, दो चीजें डन हो गई अपने भाई। देखो हेल्थ पूरी है, पूरी हेल्थ है, एक बार नहीं पकड़े गए हम लोग, सारी जिंदगियां बची हुई हमारी। चलो चलो चलो, हाँ और सामान ढूंढना है। एक दो तीन चार, चार चीजें बची हुई हैं यार अभी तो। वही कुछ दिखा उधर, वो कुछ रखा हुआ है। ओ ये वो है तहखाना खोलने का रास्ता, वो तहखाना खोलने का आइटम। ये मैं उधर ले जाके रखूंगा ना, वो जहां पे हमने हाथी वाती देखे थे अभी, वहां पे जाके रखेंगे तो वो नीचे का तहखाना खुल जाएगा पूरा। भाई साहब डरावनी तो है। मतलब पूरा एकदम ऐसे लॉन्डो ने म्यूजिक क्यों क्यों? एक तो इसकी मदद करने पे लगे, मैं यूं कह रही तेरा भी सिर काट दूंगी। मैं पागल, किसी कुत्ते ने काटा था मुझे जो मैं यहाँ पे आया था तुझे बचाने। ये वैसा है जैसा वो लोग अपने घर के सामने नहीं लगाते बुरी नज़र वाले से बचने के लिए, वही आइटम है। इसको बोलते क्या है ये नहीं पता मुझे, पर आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं। गाँव गाँव की तरफ मैंने बहुत देखा है ये लोग अपना ना छत के ऊपर लगाए रखते हैं बैल्कनी में बुरी नज़र से बचने के लिए। छुप जाओ छुप जाओ, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो तू देख। मेन हॉल में जाके सबसे पहले दीदी आएंगी, सबसे पहला काम मेन हॉल में आके यहां पे छुपना। यहां पे छुपो थोड़ी देर। देखा कहा था ना, पैटर्न समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा इस गेम का। गई क्या? पत्ते बिछा ले यहीं पे, यही घूमती रहा, पत्ते बिछा ले, पत्ते खेल लेंगे यहीं पे बैठ के।
शायद इसे तुम्हारा भाई पसंद आ गया, इसीलिए चक्कर काट रही है इतनी आगे पीछे। ओफो, रुक जा, तहखाने का रास्ता खोल दिया तुम्हारे भाई ने। भाई ये बहुत डराता है कसम से, ये मतलब इस गेम की ना सबसे खतरनाक चीज यही है। हो जा रही, चलो नीचे चलते हैं। दीदी तो गई उधर से, हम चलते हैं इधर। ये मटके वटके में आवाज नहीं करनी है हमें, पूरा बच बच के चलना है। ठीक है, उलाड़ी उलाड़ी पड़ी है, बाल्टी है, इसमें मैं छुप सकता हूँ। अरे भाई साहब, वो तेरी पै क्या भेजा भेजा जमा कर रखा है क्या है? एक ओ भाई साहब, कमला तो भाई साहब खतरनाक वो है भाई, औरत पूरा ऐसा सुविनियर से इकट्ठे किए हुए इसने तो। ये किस चीज की गिनती है? बारी बारी से हाथ वाथ काट के किसी का, तीन और ये कितना, तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच, तीन आठ पाँच, तीन आठ पाँच, 358 लॉन्डो याद रखना, 358 करके कुछ है ये। सीढ़ी मिल गई, सीढ़ी। अच्छा ये वो वाला रास्ता आ गया, चलो बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। बॉयज प्लेड वेल, नाइस नाइस। हवन कुंड के सामने से घुस के यहाँ पे हम नीचे जा सकते हैं छुपने के लिए, बहुत बेहतरीन। कोड 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 देखा था ना अभी, कोड क्या था यार? तीन और चार डंडे, एक कट और तीन आठ, हाँ ठीक है, तीन आठ पाँच, ठीक है, सही हो गया सही हो गया। तो वो कमरा ढूंढना है जहाँ पे वो बक्सा था, बक्से वाला कमरा कहाँ है? ये तो अपना मंदिर आ गया। कोई कोई चीजें ना इधर उधर रखी हुई मिल जाती हैं, एक दो जगह से घूम के जाओ ना फिर उसके बाद मिलती हैं। कमरा का कमला, कमरा कमला कमला का कमरा, कमला का कमला कर रहा हूँ मैं। इधर कुछ नहीं है, कहीं तो कुछ होगा यार। इस रूम में से एक बार एक एक हिंट मिल गया तो इसका मतलब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया मेरे को ऐसा लगता है। छुप जाओ पहले, पहले छुप जाते हैं। लौंडे ने पढ़ लिया मंत्र, पढ़ लिया। सामने से हम आए थे, इधर क्या है? लैटरिन, लैटरिन। भाई साहब अगर जोर से आ रही हो यहाँ बैठ के कर लेना, डर के मारे अगर तुम्हारे पेट में छेरे हो जाए ना तो यहाँ बैठ के हग लेना। देख लेती भाई साहब, यस मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा, यस आई विल एक्सोस्टाइज यू। उधर ही है यार ये, आ नहीं पा रही उधर से इधर, मतलब इसका पेट्रोलिंग का रास्ता ना बदल नहीं पा रहा। ये अपनी पेट्रोलिंग का रास्ता बदले तो फिर मैं कहीं पे जाऊं। इधर गई है, मटके वटके से बच के। यहाँ नीचे बैठने की कोई जगह नहीं है,
इधर भी बैठने की कोई जगह नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। इसका कमरा है, हाँ घंटा भाई घंटा। येरा 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 मिल गया, बक्सा मिल गया भाई को, बक्सा मिल गया। कोड 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 358। मेरा सर तू बाद में काटना, पहले पहले मुझे ये खोलने दे। थ्री, अरे थ्री ना ना ना, पहले अंदर जा। पैरों की आवाज आ रही इसकी। हनुमान चालीसा, एक पवित्र भजन जिसमें भगवान हनुमान को समर्पित मंत्र है, जो एक शक्तिशाली वानर देवता है और भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व और मूल्य रखते हैं। यह रचना भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण का वर्णन करती है और अक्सर भक्तों द्वारा स्वयं भगवान हनुमान से सुरक्षा और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के रूप में उपयोग की जाती है। ओके, चलो एक आइटम और मिल गया, पर अभी तक तुम्हारा भाई पकड़ा नहीं गया। बची हुई जिंदगियां पूरी तीन है, ठीक है, और हमें छह में से तीन आइटम मिल चुके हैं। तीन आइटम हमें अभी ढूंढने हैं। हाँ, ये यहाँ कुछ मिलेगा। अलमारी की चाबी बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा। पहले ये रखेंगे, उसके बाद कितने आइटम बचेंगे अपने? थाली, गंगाजल, कलश पात्र, ठीक है। गंगाजल भी हो गया, थाली और कलश पात्र, ठीक है। पहले रखेंगे हनुमान चालीसा वहाँ पे। हनुमान चालीसा रखने के बाद फिर हम जाएंगे कलश पात्र ढूंढने। गंगाजल सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि गंगाजल एकदम पास में ही है, तो इधर उधर भटक के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। भाई अब गए हम, अगर ये इस घर में आ गई ना फिर गए हम, फिर अपना खेल खत्म। मैं तो ऐसा कह रहा हूं उल्टे चलते हैं। इसका बेडरूम है, बच गए, बच गया भाई, बच गया, बच गया। ओ भाई ओ भाई, घंटा दिखाई नहीं साला, बिल्कुल नहीं दिखा भाई घंटा, बिल्कुल भी। लैटरिन में भी छुप सकता है क्या ये? छुपने वाली जगह कहाँ है? ओ भाई 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 भाई, तहखाने में झुकते हैं थोड़ी देर। गए थे भाई, एकदम गए थे। वो तो उसका पेरिफेरल विजन इतना बढ़िया नहीं है, बच गए हम। ये कहाँ रखना है? इधर ही चक्कर लगा रही है, इधर ही चक्कर लगा रही है बस, और कहीं नहीं जा रही है। दूसरा आइटम ये है, ये तो लास्ट में उठाएंगे हम। घुस 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 घुस, बच गए, जिंदगियां पूरी हैं, ठीक है।
बच गए। यहीं रहते हैं थोड़ी देर, सांस लेते हैं, यहीं पे रहेंगे थोड़ी देर, रोने वालों है पूरो। यस चलो। थाली 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 मिल गई। थाली मिलते ही हमें भागना पड़ेगा यार कहीं पे। सामने सामान रखना है और यहाँ पे छुपने का रास्ता है। हेल्थ पुल कर लो। दीपक और कुमकुम धारक के साथ एक साधारण पीतल की थाली की तरह दिखने वाला यह शक्तिशाली लेकिन सुरक्षात्मक समारोह आयोजित करने के लिए किसी बर्तन से कम नहीं है। ठीक है, थाली हमने उठा ली है, एक बार हम जाके छुप जाते हैं। अब जैसे जैसे गेम आगे जा रहा है ना, खत्म होने की तरफ चल रहे हैं हम लोग, अब डर बढ़ता जा रहा है, हार्ट रेट बढ़ने लगी है थोड़ी थोड़ी। पहले अपने छुपने का जुगाड़ देख लेते हैं, छुपने का आइटम कहाँ पे है अपना, ये है। और ये रखनी कहाँ पे है? मम्मी 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 मम्मी। इधर से ना आ जाए देवी जी। बहुत ज्यादा शांति भी हो जाती है ना गेम में तो साला उससे भी डर लगता है। चले उठा ले उठा ले। चलो भाई मूर्ति उठा ली हमने, अब ये हमें जाके लगानी है मंदिर में। मंदिर 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 का रास्ता यार, ऐसी टेंस सिचुएशन में ना चीजें भी भूलने लगा मैं तो। किधर से है मंदिर का रास्ता? एक तो ये देवी जी यहीं पे घूम रही हैं। रात में तितलियां उड़ रही हैं या क्या है? यार मंदिर यार, अरे बहुत ही बेहतरीन। ये तो पूरा ऑरा ही बदल गया, मतलब म्यूजिक वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग इस रूम के अंदर आएंगे ना तो फिर कमला हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। देख रहे हो कैसे टेक्सचर वेक्सचर रंग वंग कैसे बदल गया पूरा। हाँ देखो, बाहर आते ही सब कुछ डार्क हो जाता है और अंदर आते ही थोड़ा पूरा लाइटिंग ही बदल जाती है अंदर। तो ये आध्यात्मिकता का रूप है एक तरीके से। अगर हम लोग यहाँ पे मंदिर में आके, मंदिर वाले रूम में आके अगर छिप जाएंगे ना तो शायद बच सकते हैं। हम चलते हैं जरा पहले बेडरूम की तरफ, फिर पायल आ गई, फिर आगे पायल सिनकाती हुई। नहीं मरेगा पंडित, छोटा पंडित नाम है इसका। अब मेरे ख्याल से सामने गई है। सामने से वापस आ रही है भाई। अभी कहीं पे टर्न लिया है क्या? इधर कहीं पे गई है अब शायद। अब भाई कैसे हम लोग इधर जा सकते हैं? वो है ना वो बोरा। खुल गया ताला। यह सुगंधित जड़ी बूटियों और रेजिन से किसी स्थान को साफ करने की एक प्राचीन प्रथा है। अच्छा
तेरी भाई साहब सामने थी। इतने इतने से बचे हम लोग, इतने इतने से भाई एकदम सामने थी। यार इधर से दिखता भी तो नहीं है कि सीधी जा रही है या इधर जा रही है, एकदम सामने थी भाई। घंटा नहीं बजाना भाई। सही है, अलमारी यहीं पे थी, बच गए। अगर अलमारी यहाँ नहीं होती ना फिर तो गए थे भाई। वहां जाऊं इसको लेके अगरबत्ती को? उधर अगरबत्ती के साइड में एक बार है, वो ऊपर नीचे हो रही है, उस पर मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। वो बार शायद हमें गाइड करेगी कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। इधर ही है भाई कहीं पे आस पास। इधर सामने कहीं पे कोई एरिया है। वहां से मिलेगा। यार 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 मिल गया मिल गया मिल गया। एक तांबे का बर्तन, कुछ आम के पत्ते और एक नारियल, जब एक साथ रखा जाता है तो इन वस्तुओं का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। तांबा एक पवित्र धातु जिसमें गंगा जल की दिव्य ऊर्जा समाहित हो सकती है। आम के पत्ते हमें विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करेंगे। ठीक है भाई, बेहतरीन। पांचवा आइटम मिल गया लॉन्डो, उसके उधर है अपने को जहां जाना है। हमारे भाई के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। पहले यहां से भागने का रास्ता देखो, भागने का रास्ता ये है, और गंगा जल भी इधर ही रखा है। इसे कहां रखूं भाई? ओ भाई 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 ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। मुक्ति दिखी। ओ भाई वो सामने से तो ना आ जाएगी, सांस भी नहीं लेनी। अगर मैं ये गेम बना रहा होता ना तो मैं तो माइक का भी इनपुट रखता अपने पास, कि अगर माइक से कुछ इनपुट आ रहा है ना तो उसी की तरफ जाने लगे है कमला। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर हो जाएगा वो, अगर इस तरीके से रख लेना तो बंदा खेलता खेलता भी ना चुप हो जाएगा एकदम, बोलते बोलते एकदम शांति। अभी आवाज़ आ रही है ऊपर से? नहीं आ रही, पुल करके देखता हूँ यार। नहीं आ रही भाई साहब, देख रहे हो एकदम पूरा एनवायरनमेंट ही ब्लैक एंड वाइट कर दिया उन्होंने, मतलब कि पास ही है हम सब चीजों को करने के। एक बार ऊपर जाके देखें क्या बोलते हो, क्या बोलती है पब्लिक। भाई देखो ये है अपना लास्ट आइटम, एकदम ऐसी चीज लाके छोड़ी ना तुम्हारे भाई ने आखिरी में। मैं लास्ट आइटम बिल्कुल मुंह पे से उठा के यहीं पर रख दूंगा। क्या कहते हो करें? आवाज आ रही है उसकी दीदी की? खोल खोल खोल, निकालो। हाथ हाथ कांप रहे भाई मेरे तो।
चलें चलें चलें, कहाँ रखना है कहाँ रखना है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। कर दिया काम, कर दिया, बहुत बेहतरीन। उतार दी इसकी सारी आत्मा, उतार दे। वाई वाई वाई, भागी भागी। नहीं नहीं नहीं, घंटियां बज गई भाई, बहुत बेहतरीन। चलो भाई, बेहतरीन हो गया काम। क्या है अब आगे भी कुछ है क्या? अच्छा यही है वो पंडित, हम यही थे, पंडित विभूषण यही था। कमला के अंदर से आत्मा निकाल दी, कमला मिल गई अपने हस्बैंड को। अच्छा अब कमला की निगाहें चली गई विभूषण भाई के ऊपर। मेरे ख्याल से आगे किसी पार्ट में ये डालने वाले हैं कि हाँ भाई डायरेक्शन गेम प्ले शुभम। अच्छा तांत्रिक कौन था, तांत्रिक की आवाज़ और ये कमला की आवाज़, श्रुति पांडे जी बहुत बेहतरीन आवाज़ दीजिए आपने, बहुत बेहतरीन डराए रखा हमें। खेलने के लिए धन्यवाद, अधिक गेम कंटेंट जल्द आ रहा है, बहुत बेहतरीन, मतलब इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों मज़ा आया ये गेम खेल के, हम लोगों ने जैसा कि मैंने आपको बताया था बिना मरे नो डेथ चैलेंज पूरा किया, एक बार भी हम लोग उसके हाथ में नहीं आए, कहीं नहीं पकड़े गए, कमला ने हमें कहीं नहीं पकड़ के खाने की कोशिश करी और पूरा गेम हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं और बने रहें हमारे साथ।